काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचना यानी इंटरस्टेट सेल करना। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे इंटरस्टेट सेल्स टू रेगुलर डीलर, इंटरस्टेट सेल्स टू कंपोजिशन डीलर, इंटरस्टेट सेल्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर एंड कंज्यूमर। साथ ही बताएंगे कि इंटरस्टेट सेल्स पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है। इसके पहले हम आपको इंट्रास्टेट परचेज, इंटरस्टेट परचेज और इंट्रास्टेट सेल के बारे में बता चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको इंटरस्टेट सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। जब हम अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में माल बेचते हैं यानी अपने राज्य की सीमा के बाहर कोई सेल करते हैं तो उसे इंटरस्टेट सेल कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं और हम अपना माल रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में आता है वहां के व्यापारी को बेच रहे हैं तो इस तरह की सेल को हम इंटरस्टेट सेल्स कहते हैं। ध्यान रखें हम रेगुलर डीलर हैं इसलिए हमारे जितने भी सेल होंगे चाहे वो किसी रेगुलर डीलर को हो, कंपोजिशन डीलर को हो, किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को हो या फिर कंज्यूमर को हो, ये सभी टैक्सेबल होंगे। यानी कि हमारा जो भी सेल्स बिल बनेगा उस पर हम टैक्स लगाकर ही माल बेचेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हम इसके पहले की वीडियोस में बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले उन वीडियोस को जरूर देख लें। चलिए अब हम सभी तरह के सेल्स को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है किसी रेगुलर डीलर को माल बेचना। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने 2 अप्रैल को वासु ट्रेडर्स जो की रायपुर छत्तीसगढ़ के रेगुलर व्यापारी हैं, उनको मॉनिटर्स के 5 नग 14,000 रुपए प्रति नग के भाव से उधार बेचे जिस पर 18% से जीएसटी चार्ज किया। चलिए अब इसका सेल बिल बना लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टेली पर हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे और सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करेंगे। यदि आपको डेट बदलना हो तो F2 प्रेस करके बदल सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हमें वासु ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है तो पहले हम इसे बना लेते हैं। अंडर में सन्ड्री डेटर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रहने दे रहे हैं। एड्रेस में पार्टी का एड्रेस टाइप कर रहे हैं। यहाँ स्टेट में छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये व्यापारी छत्तीसगढ़ स्टेट का है। एंटर प्रेस करते हुए हम रजिस्ट्रेशन टाइप पर आ गए हैं। यहाँ हम रेगुलर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप कर रहे हैं। अब कंट्रोल और A कीज प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पार्टी डिटेल की विंडो यहाँ पर आ रही है। यहाँ हम पार्टी का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम मॉनिटर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर रेट टाइप कर रहे हैं। ये देखिए अमाउंट में 70,000 आ रहा है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। यदि हमें कोई दूसरा आइटम सिलेक्ट करना होता तो हम इसी तरह से कर सकते। हमें और कोई आइटम सिलेक्ट नहीं करना है इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये माल स्टेट के बाहर बेचा है तो यहाँ हमें IGST सिलेक्ट करना होगा। IGST का लेजर बनाना हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए यहाँ IGST सिलेक्ट करते ही टैक्स की वैल्यू 18% के हिसाब से आ गई है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। यहाँ टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस पहले से ही सिलेक्टेड है और हमें यही चाहिए।
इसलिए एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। आइए अब हम पेज अप की प्रेस करके बिल का प्रीव्यू देख लेते हैं। अब जीएसटी की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने जिस रेगुलर डीलर को सेल की थी वो यहां B2B में दिखाई पड़ रही है। चलिए अब एस्केप की प्रेस करके वापस सेल्स वाउचर पर चलते हैं। अब हम आपको दूसरा बिल जो कि एक कंपोजिशन डीलर को माल बेचने का है उसके बारे में बता देते हैं। हमने सूर्य ट्रेडर्स जो कि उत्तर प्रदेश का कंपोजिट डीलर है उसको 2 अप्रैल को एक नग मॉनिटर 14,500 रुपए के भाव से उधार बेचा। आइए इसका सेल्स वाउचर बना लेते हैं। सबसे पहले तो पार्टिकल लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर में सन्ड्री डेटर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस में पार्टी का एड्रेस टाइप कर रहे हैं। यहां स्टेट में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम रजिस्ट्रेशन टाइप पर आ गए हैं। यहां हम कंपोजिशन सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां उसका जीएसटी नंबर टाइप कर रहे हैं। अब इस लेजर को सेव कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पार्टी डिटेल्स की विंडो यहां पर आ रही है, इसे भी सेव कर लेते हैं। यहां हम सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में मॉनिटर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहां पर क्वांटिटी और यहां रेट टाइप करेंगे। हमने और कोई आइटम नहीं बेचा है इसलिए एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम IGST का लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए 18% से टैक्स की वैल्यू आ गई है। यहां न्यू रेफरेंस सिलेक्टेड है। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस एंट्री को भी सेव कर लेते हैं। इसकी जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए हम फिर से GSTR1 पर चलते हैं। ये देखिए, अभी हमने जिस कंपोजिशन डीलर को सेल की थी वो भी यहां B2B में दिखाई पड़ रही है। ध्यान रखें, किसी भी रजिस्टर्ड डीलर को, चाहे वो कंपोजिशन डीलर हो या रेगुलर डीलर, उसको की गई सेल GSTR1 के B2B में ही दिखाई देती है। अभी हमने आपको रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर को माल बेचना बताया। चलिए अब तीसरे टाइप की सेल्स भी समझ लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने जीएसटी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जिन डीलर के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उन्हें अनरजिस्टर्ड डीलर कहते हैं। इस तरह के डीलर्स का कारोबार बहुत छोटे पैमाने पर होता है। इसी तरह प्रायः जो कंज्यूमर यानी माल के उपभोक्ता होते हैं उनके पास भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अनरजिस्टर्ड डीलर और कंज्यूमर दोनों के बिल बनाने की प्रोसेस एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक ग्राहक आया और उसने कहा मुझे एक मॉनिटर चाहिए जिसका पेमेंट में नगद कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि हम जो बिल बनाएंगे वो कैश सेल का बनाएंगे। अभी हम सेल्स वाउचर पर ही हैं। पार्टी नेम में कैश सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां मोड / टर्म्स ऑफ पेमेंट में कैश टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। यहां हम बायर्स के आगे बायर का नाम टाइप कर रहे हैं। यहां उसका एड्रेस टाइप कर रहे हैं और यहां स्टेट में महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पूना शहर महाराष्ट्र में आता है। एंटर प्रेस करते हुए हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप पर आ गए हैं। यदि बायर अनरजिस्टर्ड डीलर होता तो यहां हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करना होता।
पर ये कंज्यूमर है इसलिए हम कंज्यूमर सिलेक्ट कर रहे हैं। और अब इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। पहले की तरह ही यहां भी सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, आइटम नेम में मॉनिटर लेंगे, क्वांटिटी और रेट टाइप करते हुए हम नीचे आ गए हैं। यहां आईजीएसटी का लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए टैक्स का अमाउंट आ गया है। अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। आइए अब जीएसटीआर 1 पर चलकर इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, इंट्रास्टेट सेल्स की स्थिति में अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर के बिल का अमाउंट कितना भी हो, उसकी रिपोर्ट B2C स्मॉल में दिखाई पड़ती है, जबकि इंटरस्टेट सेल्स की स्थिति में अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर का बिल यदि 2.5 लाख या उससे कम है तो उसकी रिपोर्ट B2C स्मॉल में ही दिखाई पड़ती है, और यदि उसके बिल का अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा हो तो उसकी रिपोर्ट B2C लार्ज में दिखाई पड़ती है। अभी हमने जो बिल बनाया था वो 2.5 लाख से कम था, इसलिए इसकी रिपोर्ट B2C स्मॉल में ही दिखाई पड़ेगी। ये देखिए हमने जो बिल बनाया था उसकी रिपोर्ट यहां दिखाई पड़ रही है। यहां पर हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, उसके लिए पहले एस्केप की प्रेस करेंगे और अब पेज अप की प्रेस करके वापस वाउचर पर आ गए हैं। यहां हम इस बिल की क्वांटिटी चेंज करके 1 की जगह 17 कर देते हैं। ये देखिए अब इस बिल का अमाउंट 2,60,780 हो गया है, यानी 2.5 लाख से अधिक हो गया है। अब वापस GSTR 1 पर चलकर इसकी रिपोर्ट B2C लार्ज में देख लेते हैं। देखिए अब ये बिल B2C स्मॉल के स्थान पर B2C लार्ज में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब बिल अमाउंट 2.5 लाख से अधिक हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको इंटरस्टेट सेल्स के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम आपको डेबिट नोट में परचेज रिटर्न और डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।